मैं शशि सिडाणा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाणा पर। स्टूडेंट्स, तो टॉपिक जो हमारा चल रहा है कार्बोनिल यौगिक, क्लास 12th का चैप्टर है, जिसमें आज जो अभिक्रिया हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो अभिक्रिया है अपचयन में क्या होता है। देखो, अपचयन की डेफिनेशन अगर हम देखें तो अपचयन होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, और ऑक्सीजन का निकलना। ये अपचयन की डेफिनेशन है, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना। अब हाइड्रोजन जुड़ता है या ऑक्सीजन निकलता है वो डिपेंड करता है कि हम अपचायक कैसा ले रहे हैं। अपचायक यानी अपचयन करने वाला, अभिक्रिया में जो हम उत्प्रेरक लेते हैं वो अपचायक होते हैं। अब हम अपचायक कैसा ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन जुड़ेगा या निकलेगा। अब कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन की कई अभिक्रियाएँ हैं, जिसमें पहली अभिक्रिया NIPDPT द्वारा अपचयन, NIPDPT या LiAlH4 अथवा NaBH4 द्वारा अपचयन। अब हमारी बुक में LiAlH4 और NaBH4 को अलग दिया है, पर काम दोनों का सेम ही है। जो प्रोडक्ट NiPDPT बनाता है वही प्रोडक्ट LiAlH4 या NaBH4 बनाता है। LiAlH4 जो होता है वो ईथर की उपस्थिति में अपचायक का कार्य करता है, और NaBH4 जो होता है वो अल्कोहल की उपस्थिति में अपचायक का कार्य करता है। तो LiAlH4 ईथर की उपस्थिति में और NaBH4 अल्कोहल की उपस्थिति में। अब इनका काम क्या है, डबल बॉन्ड अगर दिया है तो ये उसको सिंगल बनाकर अपचयन करते हैं, ये मैंने पहले भी एक टॉपिक में जनरल रिएक्शन जो है केमिस्ट्री सेकंड के अंदर उसका वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो वो जनरल रिएक्शन अगर आप देख लेते हैं तो आपके हर चैप्टर की बहुत सारी रिएक्शन जो है वो उसमें कवर हो जाती हैं। अब आपको यही ध्यान रखना है, NiPDPT LiAlH4 या NaBH4 जब आएगा तो डबल बॉन्ड को सिंगल बनाकर अपचयन करेगा, तो रिएक्शन जो है वो अपने आप पूरी हो जाएगी। दूसरा आता है मिरवाइन पोंड्राफ वर्ली अपचयन। इसमें जो उत्प्रेरक हम लेते हैं या जो उपचायक हम लेते हैं वो है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। इसमें भी मेन कीटोन का अपचयन होता है। मिरवाइन पोंड्रा वर्ली अपचयन जो है मेनली कीटोन के अपचयन के लिए यूज किया जाता है, और करना इसमें भी क्या है, डबल बॉन्ड को सिंगल करना है और उत्प्रेरक जो है वो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड है। अब पहले ये दोनों अभिक्रियाएँ देख लें हम, क्योंकि हमारी बुक में जो कैटेगरी बताई हुई है वो भी साथ में क्लियर होती जाएगी। अब पहला आता है NiPDPT द्वारा अपचयन। अब एल्डिहाइड है मेरे पास CH3CHO, एथेनेल ले लिया मैंने। अब एरो के निशान पर मेरे को दे दिया गया NiPDPT, इनमें से कोई भी दे दिया गया, चाहे एरो के निशान पर NI दे दिया गया, चाहे PD दे दिया गया, चाहे PT दे दिया गया, चाहे LiAlH4 दे दिया गया, चाहे NaBH4 दे दिया गया। अब प्रोसेस इनका सेम रहेगा, डबल बॉन्ड को सिंगल कर दें, तो डबल को हमने क्या किया, सिंगल, सी और ओ में जो डबल बॉन्ड था उसको सिंगल कर दिया, एक बॉन्ड सी का खाली हो गया, एक बॉन्ड ओ का खाली हो गया।
तो दोनों का एक एक बॉन्ड खाली हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ एच एच जोड़ देंगे, क्योंकि अपचयन क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो एन आई पी डी पी टी है, चाहे एल आई एल एच फोर है, चाहे एन ए बी एच फोर है, ये डबल को सिंगल बनाकर हाइड्रोजन जोड़ते हैं। तो यहाँ एच एच जुड़ गया। अब जो प्रोडक्ट बना वो देखें आप, प्रोडक्ट बना एल्कोहल, प्रोडक्ट बना एल्कोहल ओ एच। ओ एच जिस कार्बन से जुड़ा है, ये आगे एक ही कार्बन से जुड़ा है, अतः ये प्राथमिक कार्बन है। और क्योंकि अल्कोहल प्राथमिक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए बनने वाला अल्कोहल प्राथमिक अल्कोहल है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एल्डिहाइड के अपचयन से प्राप्त अल्कोहल की प्रकृति है। तो एल्डिहाइड के अपचयन से जो अल्कोहल बनता है वो प्राथमिक अल्कोहल होता है, और एथेनेल के अपचयन से एथेनॉल बना है, दो कार्बन का अल्कोहल बना है। चेन कितने कार्बन के, दो की, दो के लिए एथ, दोनों में बॉन्ड कौन सा है, सिंगल, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ओ एच के लिए ओल, तो ये बन गया एथेनॉल। क्लियर। अब अगर मैं कीटोन लेता हूँ, एल आई एल एच फोर लूँगा तो भी यही प्रोडक्ट बनना है, एन ए बी एच फोर लूँगा तो भी यही प्रोडक्ट बनना है। एल आई एल एच फोर इथर की उपस्थिति में और एन ए बी एच फोर एल्कोहल की उपस्थिति में कार्य करता है। अब मान लो मैंने कीटोन ले लिया, सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री कीटोन ले लिया, एरो के निशान पर एन आई पी डी पी टी एल आई एल एच फोर एन ए बी एच फोर। तो ये अपचयन कैसे करेंगे, डबल बॉन्ड को सिंगल बनाकर करेंगे। तो हमने क्या करना है, जो डबल बॉन्ड दिया है उसको सिंगल कर लेना है। तो जो डबल बॉन्ड है उसको सिंगल कर लें, तो सी एच थ्री सी सिंगल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। तो ये डबल को सिंगल कर दिया, दोनों का एक एक बॉन्ड खाली हो गया। अब अपचयन कैसे करेंगे, एच एच जोड़ देंगे, तो यहाँ भी एच, यहाँ भी एच, तो ये भी अल्कोहल बना है। लेकिन अब अल्कोहलिक ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे दो कार्बन से जुड़ा है, यानी ये बनने वाला अल्कोहल, ये जो कार्बन है जिससे अल्कोहल जुड़ा है, ये द्वितीयक कार्बन है, क्योंकि आगे दो कार्बन से जुड़ा है, इसलिए बनने वाला अल्कोहल द्वितीयक अल्कोहल टू डिग्री अल्कोहल है। तो इस प्रकार हमने देखा कि एल्डिहाइड के अपचयन से प्राथमिक अल्कोहल और कीटोन के अपचयन से द्वितीयक अल्कोहल की प्राप्ति होती है। अब एल आई एल एच फोर जो है, या एन ए बी एच फोर जो है, वो विशिष्ट अपचायक है। एल आई एल एच फोर या एन ए बी एच फोर विशिष्ट अपचायक का कार्य करते हैं। ये दोनों सिर्फ एल आई एल एच फोर या एन ए बी एच फोर जो होते हैं, ये विशिष्ट अपचायक होते हैं। अब विशिष्ट अपचायक क्या होता है, देखो, विशिष्ट अपचायक यानी जो एक विशेष समूह का ही अपचयन करेगा। विशिष्ट अपचायक का मतलब है जो एक विशेष समूह का ही अपचयन करेगा। यदि इनके पास अपचयन योग्य दो समूह आ जाएं, जैसे ये आ गया, देखो सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच ओ। अब एरो के निशान पर हमें दे दिया गया एल आई एल एच फोर इथर की उपस्थिति में, या एन ए बी एच फोर एल्कोहल की उपस्थिति में। अब ये हमारे को एरो के निशान पर दे दिया गया। अब अपचयन योग्य दो समूह आ गए इसमें, देखो ये भी डबल बॉन्ड है और ये भी डबल बॉन्ड है। तो हमने पहले पढ़ा है कि ये डबल बॉन्ड को क्या कर देते हैं, सिंगल कर देते हैं। लेकिन एल आई बी एल एच फोर या एन ए बी एच फोर विशिष्ट अपचायक हैं। विशिष्ट अपचायक वो होते हैं जो एक विशेष समूह का ही अपचयन करते हैं। तो यदि एल आई एल एच फोर या एन ए बी एच फोर में, एन ए बी एच फोर की स्थिति में कार्बोनिल यौगिक के अलावा कोई अन्य अपचयन योग्य समूह भी आ जाए, जैसे द्विबंध आ गया, तो फिर ये केवल कार्बोनिल का ही अपचयन करेगा, द्विबंध का अपचयन नहीं करेगा। यानी ये दोनों में से एक विशेष समूह का ही अपचयन करता है, अतः ये विशिष्ट अपचायक है। तो यदि कार्बोनिल यौगिक में अपचयन योग्य कोई अन्य समूह भी आ जाता है, और आपको एल आई एल एच फोर इथर की उपस्थिति में या एन ए बी एच फोर एल्कोहल की उपस्थिति में एरो के निशान पर दे दिया जाता है, तो ये विशेष ध्यान रखना कि ये विशिष्ट अपचायक हैं। विशिष्ट अपचायक वो होते हैं जो केवल कार्बोनिल समूह का ही अपचयन करते हैं, इस समूह का अपचयन नहीं करते। तो ये डबल बॉन्ड तो एज इट इज रहेगा,
और ये वाला डबल बॉन्ड आपने सिंगल कर देना है। क्लियर? तो दो समूह थे अपचयन योग्य है, लेकिन ये विशिष्ट अपचायक हैं तो एक विशेष समूह का ही अपचयन करते हैं, तो इस डबल को सिंगल कर देना है, ये एज इट इज रहने देना है। अब दोनों का एक एक बॉन्ड खाली हो गया, अब अपचयन कैसे करेंगे? यहाँ H जोड़ देंगे और यहाँ H जोड़ देंगे, तो इस प्रकार ये प्रोडक्ट बना। अब नाम क्या है इसका, ग्रुप कौन सा है? OH, OH यानी अल्कोहल। चेन कितने कार्बन की? एक दो तीन, एक दो तीन, तो तीन के लिए प्रोप। अब तीनों कार्बन में बॉन्ड आ गया डबल, तो एक नंबर कार्बन ये जहाँ क्रियात्मक समूह जुड़ा है, दो नंबर ये, तो प्रोप टू इन। OH के लिए ओल लगाते हैं, कितने नंबर पे लगाया? एक नंबर कार्बन पे, वन ओल, प्रोप टू इन वन ओल, तो ये प्रोडक्ट बना है यहाँ। अब मिरवाइन पोंड्रा वर्ली अपचयन सेम स्थिति है, बस उत्प्रेरक ध्यान रखना है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, रिएक्शन यही है बस, किटोन का अपचयन है, तो किटोन में अपचयन कैसे करना है? इसमें भी डबल बॉन्ड को सिंगल बनाकर, तो द्वितीयक अल्कोहल ही बनेगी। तो मिरवाइन पोंड्रा वर्ली अपचयन में किटोन का अपचयन एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की उपस्थिति में किया जाता है, तो ये बन गया CH3 की ट्वाइस, CHO की होल थ्राइस, AL, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। ये फार्मूले बनाने भी मैं सिखा दूंगा आपको। तो डबल बॉन्ड को क्या करेंगे? सिंगल, तो एक बॉन्ड O का खाली, एक बॉन्ड C का खाली, दोनों का एक एक बॉन्ड खाली हो गया, HH जोड़ेंगे तो अल्कोहल बन गया। अल्कोहल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे दो कार्बन से जुड़ा है, अतः ये द्वितीयक अल्कोहल है। तो मिरवाइन पोंड्रा वर्ली अपचयन में 2 डिग्री अल्कोहल की प्राप्ति होती है। अब ये दोनों जो अभिक्रियाएं हमने पढ़ी हैं, ये कार्बोनिल यौगिक का अल्कोहल में अपचयन करती हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। NIPD-PT भी कार्बोनिल यौगिक को अल्कोहल में बदलेगा, LiLH4 भी, NaBH4 भी, और मिरवाइन पोंड्रा वर्ली अपचयन के दौरान भी कार्बोनिल यौगिक जो होते हैं वो अल्कोहल में ही परिवर्तित होते हैं। अब चलते हैं आगे अगले अपचयन की ओर। तो अब जो अभिक्रियाएं हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लेमेंसन अपचयन, लाल फास्फोरस व HI द्वारा अपचयन, हुंग मिनलोन या वोल्फ किशनर अपचयन, हुंग मिनलोन या वोल्फ किशनर अपचयन। तो लाल पी और HI वाला अपचयन, ये भी मैंने जनरल रिएक्शंस के अंदर बताया हुआ है, लाल पी और HI कभी भी आ जाएं तो हमेशा ध्यान रखना एल्केन ही बनेगी, हमेशा, चाहे यौगिक कोई भी हो, लाल पी और HI द्वारा अपचयन करवाया जाए तो एल्केन ही बनती है। जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, आपको एरो के निशान पर लाल पी और HI दे दिया जाए, अब ग्लूकोज में कार्बन कितने हैं? 6, तो 6 कार्बन वाली एल्केन यानी हेक्सेन बनेगी। तो लाल पी और HI का तो डायरेक्ट सिस्टम है, एल्केन ही बनती है। अब बात करें हम क्लेमेंसन अपचयन की, तो क्लेमेंसन अपचयन में जो अपचायक हैं ZnHg+SanderHCl, ये अपचायक है ZnHg+SanderHCl। हुंग मिनलोन नाम से बता रहा है फोर हाइड्रेजीन, तो पहले तो हाइड्रेजीन से क्रिया करवानी है फोर हाइड्रेजीन, और गै फोर ग्लाइकोल, फिर ग्लाइकोल की उपस्थिति में क्रिया करवानी है, और ग्लाइकोल यहाँ क्या करता है? ग्लाइकोल का जो कार्य होता है वो नाइट्रोजन का अवशोषण करना, ग्लाइकोल जो है वो यहाँ नाइट्रोजन का अवशोषण कर लेता है, वो खैर आगे डिस्कस करेंगे अपने। तो हुंग नाम में बता रहा है से हाइड्रोजन और गैस से ग्लाइकोल, तो हुंग मिलोन अपचयन जो है पहले हाइड्रोजन से क्रिया करवाई जाती है फिर ग्लाइकोल लिया जाता है। अब बात करें क्लेमेंसन अपचयन की, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, दोनों क्लेमेंसन अपचयन शो करेंगे, तो दोनों में से एक मैं उठा रहा हूँ। जैसे मेरे को एथेनॉल दे दिया गया CH3CHO, एथेनॉल या एसिटल्डिहाइड, एरो के निशान पर दे दिया गया ZnHg+SanderHCl, तो ये देख के ही मेरे को पता लग जाना चाहिए कि क्लेमेंसन अपचयन है,
मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है क्लीमेंसन अपचेन। आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखेंगे तो आपको 100% मिलेगी क्लीमेंसन अपचेन। तो क्लीमेंसन अपचेन बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, चाहे आप रीड एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, चाहे आप आरपीएससी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, चाहे आप क्लास 12th एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं। अब ZN जो है ये ध्यान रखना, ZN मैंने पीछे एक चैप्टर करवाया था विद्युत रसायन, जिन्होंने वो वीडियो देखा है, क्योंकि सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो जब हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो फिर रिएक्शन गलत होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो नगण्य हो जाती है। ZN जो है वो बहुत अधिक धन विद्युती तत्व है, जिसका ई नोट सेल जो होता है, ये विद्युत रसायन चैप्टर की बात है मैं यहाँ बता रहा हूँ, क्योंकि रिएक्शन जब करेंगे तो प्रॉपर्टी सारी यूज होती है। ई नोट सेल जो होता है वो ऋणात्मक होता है, और जिन धातुओं का ई नोट सेल ऋणात्मक होता है वे प्रबल अपचायक होती हैं। जिन धातुओं का भी ई नोट सेल यानी मानक विद्युत वाहक बल नेगेटिव होता है वो प्रबल अपचायक होती है, यानी ZN एक प्रबल अपचायक है। तो जब प्रबल अपचायक है तो ये क्या करेगा, ये O निकाल देगा, इसका प्रबल अपचायक है तो हाइड्रोजन भी जोड़ेगा और ऑक्सीजन भी निकालेगा। ZN का ई नोट सेल जो होता है ये विद्युत रसायन की बात है, सारे चैप्टर एक दूसरे से लिंक हैं, सिर्फ हमारे सोचने की ज़रूरत है। हमारी कमी यही है कि जब चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा होता है तो हमारे माइंड में सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही चल रहा होता है, और जब कार्बोनिल यौगिक चल रहा है तो हमारे माइंड में सिर्फ कार्बोनिल यौगिक ही चल रहा है, वो दोनों जो हैं वो अटैच नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए हम कहीं ना कहीं रिएक्शन में मिस्टेक कर जाते हैं। तो अब ध्यान रखना ZN प्रबल अपचायक है, प्रबल अपचायक है तो इसमें से ऑक्सीजन भी निकालेगा और हाइड्रोजन भी जोड़ेगा। तो जब आप इसमें से ऑक्सीजन निकालेंगे तो दो बॉन्ड इसके खाली हो गए, आगे एच पड़ा ही है, वो मैंने कुछ भी लिखा उसमें से, प्लस क्या निकला यहाँ से ओ, ओ के भी कितने बॉन्ड खाली हुए, दो, तो अब ये एच जोड़ेगा, तो जहाँ जहाँ बॉन्ड खाली हैं वहाँ वहाँ ये एच जोड़ देगा, तो यहाँ एच जुड़ गया, यहाँ एच जुड़ गया, यहाँ एच जुड़ गया, यहाँ एच जुड़ गया, इस प्रकार जहाँ जहाँ बॉन्ड खाली थे वहाँ वहाँ एच जुड़ गया है, क्लियर। तो ZN क्या करेगा, ओ निकाल देगा, प्रबल अपचायक है, प्रबल अपचायक तो ये ओ भी निकालेगा और एच भी जोड़ेगा। तो अब आप यौगिक देख सकते हैं, एल्केन बना है, चेन कितने कार्बन की, दो कार्बन की, तो दो कार्बन के लिए एथ, दोनों में बॉन्ड कौन सा है, सिंगल, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो जो यौगिक बना वो एथेन। तो इस प्रकार एल्केन की प्राप्ति होती है। तो क्लीमेंसन अपचेन में भी एल्केन यानी हाइड्रोकार्बन बनता है, लाल पी और एच आई में भी एल्केन यानी हाइड्रोकार्बन बनता है। ये भी एग्जांपल दे देता हूँ, लाल पी और एच आई, तो मान लो इसमें मैंने एल्डिहाइड लिया है, तो यहाँ मैं कीटोन ले लेता हूँ, सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री। अब ये ध्यान रखना, लाल पी और एच आई कभी भी आ जाए, ये फिक्स है, ये बातें लाल पी और एच आई का केस है, उसमें चेंज नहीं होती। जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शन फिर निवेदन करूँगा मैं आपसे, सामान्य रासायनिक अभिक्रियाएं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है तो वहाँ से आप उन्हें देखें, तो ये बहुत से चैप्टर में आती है, तो ये कॉमन रिएक्शन है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो उस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपके बहुत सी अभिक्रियाएं जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो लाल पी और एच आई कभी भी आ जाए तो इसका जो कार्य होता है ऑक्सीजन निकालना, यौगिक कोई भी हो, ये ऑक्सीजन, या आप कह दें अगर ऑक्सीजन नहीं है तो जो भी ऋणात्मक तत्व है, जैसे Cl है, Cl नेगेटिव होता है, उसको निकाल देता है, फिर ये ऋणात्मक तत्व निकालना। अगर ऑक्सीजन है तो बहुत बढ़िया है, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो फिर ये ऋणात्मक तत्व निकाल देगा, क्लियर। ऋणात्मक तत्व निकाल के अपचयन करेगा, अभी इसमें ऑक्सीजन दिख रहा है आपको, तो ये ऑक्सीजन निकाल देगा, तो जब ये ऑक्सीजन निकाल देगा तो सी के कितने बॉन्ड खाली हो जाएंगे, दो, तो सी के दो बॉन्ड खाली हो गए, सी एच थ्री सी सी एच थ्री, सी के दो बॉन्ड खाली, प्लस ओ के भी कितने बॉन्ड खाली, दो, तो अब जहाँ जहाँ बॉन्ड खाली हुए वहाँ वहाँ एच जोड़ देंगे, एक एच, दो एच, तीन एच, चार एच, कितने जोड़ दिए, चार एच जोड़े, तो प्लस में चार एच आई ले लें,
जितने एच आपने जोड़े हैं उतने ही एच आई लेने हैं। तो एच कितने जोड़े, काउंट कर लें, चार, तो चार एच आई ले लिए, बचे क्या चार आई, तो प्लस में टू आई टू बन गया, टू आई टू। तो इस प्रकार जो यौगिक बना, क्लियर है रिएक्शन, ओ निकाल लेगा, जितने एच यूज कर रहे हो उतने एच आई ले लेना, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी आपकी। चेन कितने कार्बन की, तीन की, तीन के लिए क्या लगाओगे प्रोप, तीनों में बॉन्ड सिंगल है एन, तो यहाँ भी क्या बना एल्केन प्रोपेन, हाइड्रोकार्बन, इसमें भी हाइड्रोकार्बन, इसमें भी हाइड्रोकार्बन। अब आगे चलते हैं हुंग मिनलोन या वोल्फ किशनल पे। तो यह अभिक्रिया जो है हाइड्रोजन और ग्लाइकोल के द्वारा होती है, हुंग मिनलोन और वोल्फ किशनल में क्या फ़र्क है वो भी आपको मैं बता दूंगा। पहले हुंग मिनलोन की रिएक्शन देख लें, हाइड्रोजन की अभिक्रिया हमने नाभिक से नहीं युगात्मक अभिक्रियाओं में पढ़ी थी, हाइड्रोजन की अभिक्रिया नाभिक से नहीं युगात्मक विलोपन अभिक्रिया का उदाहरण है ये। तो इसमें सेम कार्बोनिल यौगिक उसी प्रकार से क्रिया करेगा, जैसे मैं यहाँ कीटोन ले लूँ, मान लो CH3CO CH3, मैंने प्रोपेनोन ले लिया CH3CO CH3 प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या हो गया NH2 हाइड्रोजन। अब होगा क्या, यहाँ से जल निकल जाएगा, तो ये जल निकल जाएगा यहाँ से H2, ये पहले भी पड़ी हुई है अपने, तो पिछले वीडियो जिन्होंने नहीं देखे हैं वो पिछले वीडियो देखें, तो वहाँ से कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होके आएंगे आपके पास। तो यहाँ से जल निकला, अब बना क्या हाइड्रोजन CH3 CH3, कितने बॉन्ड खाली हुए, दो, तो डबल बॉन्ड। आगे क्या है N, क्योंकि H2O तो निकल गया, तो C के दो बॉन्ड खाली हुए, आगे क्या आया NNH2। अब एरो के निशान पर एथिलीन ग्लाइकोल प्लस KOH, तो ग्लाइकोल प्लस KOH या NaOH, क्षारीय ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल प्लस NaOH। अब ये क्या करते हैं, इसमें से नाइट्रोजन का अवशोषण कर लेते हैं। अब नाइट्रोजन आपको दिख रही है, तो N2 का अवशोषण कर लेते हैं, ये N2 का अवशोषण कर जाएंगे। अब जो बचा वो लिखो, क्या बचा CH3 CCH3, सी के कितने बॉन्ड खाली हुए, दो, और दो H बच गए, दोनों बॉन्ड से H जुड़ जाएगा, तो सी के दो बॉन्ड खाली हुए, दोनों बॉन्ड से एक एक H जुड़ गया, तो ये भी प्रोपेन बनी। देखो तीन कार्बन की चेन है, प्रोप, बॉन्ड सिंगल है N, तो यहाँ भी प्रोडक्ट क्या बना प्रोपेन। तो इस प्रकार हुंग मिनलोन या वोल्फ किशनर में भी एल्केन ही बनती है, हाइड्रोकार्बन ही बनता है। तो चाहे क्लिमेंसन अपचेन हो, चाहे लालपी अच्छाई द्वारा अपचेन हो, चाहे हुंग मिनलोन अपचेन हो, कार्बोन यौगिक जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन में ही परिवर्तित होते हैं। तो ये हमारी किताब में जो हेडिंग दी हुई है, हाइड्रोकार्बन में अपचेन दी हुई है। एक बार रिपीट कर दें, हुंग मिनलोन को है से हाइड्रोजन, गैस से ग्लाइकोल। तो पहले हाइड्रोजन से क्रिया करवाई, जल निकलेगा, हाइड्रोजन बना, ग्लाइकोल क्या करेगा नाइट्रोजन का अवशोषण कर लेगा, क्लियर। अब वोल्फ किशनर और इसमें क्या फ़र्क है, देखो हुंग मिनलोन वोल्फ किशनर का ही परिवर्तित रूप है। वोल्फ किशनर में यह ग्लाइकोल की जगह अल्कोहल होता है, ग्लाइकोल में दो OH लगे होते हैं, तो ये हुंग मिनलोन में डाईहाइड्रिक अल्कोहल लिया है, और वोल्फ किशनर में मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, जैसे अगर C2H5OH ले लें तो ये वोल्फ किशनर बन गई। अगर यहाँ C2H5OH लिख दूँ, ग्लाइकोल नहीं लिख के C2H5OH लिख दूँ, तो ये वोल्फ किशनर में बदल जाती है। अब हमारी किताब में C2H5OH और NaOH नहीं लिखा हुआ, हमारी किताब क्या लिखती है देखो, वोल्फ किशनर में एरो के निशान पर क्या लिखती है उसको समझे। मैंने कहा आपको एरो के निशान पर C2H5OH और NaOH लेना है। अब हमारी बुक क्या लिखती है, जो मैंने पहले बताया हुआ आपको, अगर कोई अम्लीय हाइड्रोजन आ जाता है तो H की जगह Na और Na की जगह H चला जाएगा, तो जब H की जगह Na आएगा तो क्या बनेगा C2H5ONa। तो हमारी बुक में वोल्फ किशनर अपचेन के अंदर C2H5ONa ही लिखा है एरो के निशान पर, तो है वही चीज़ C2H5OH ही एक्चुअल में वो, लेकिन वो C2H5OH नहीं दिखाकर C2H5ONa दिखाया हुआ है, क्योंकि C2H5OH जब NaOH से क्रिया करेगा तो C2H5ONa बनेगा, क्लियर। तो ये थी हुंग मिनलोन या वोल्फ किशनर अपचेन। वोल्फ किशनर अपचेन देता है तो यहाँ अल्कोहल लिख दे, हुंग मिनलोन देता है तो यहाँ ग्लाइकोल लिख दे। अब एक अपचेन और है, पिनाकोल अपचेन, तो वो भी देख लें, अपचेन रिएक्शंस आपकी पूरी हो जाएंगी। पिनाकोल में अपचेन,
तो पिनाकुल में अपचेन जो है वो कीटोन की अभिक्रिया है, एसीटोन की अभिक्रिया है। तो एसीटोन हो गया CH3CO CH3। एक और अणु ले लें इसका CH3CO CH3। अब पिनाकुल अपचेन जो है वो Mg मैग्नीशियम का अमलगम लेते हैं, यानी Mg Hg प्लस H2O। ये मैग्नीशियम अमलगम लिया है Mg Hg प्लस H2O के साथ Hg है मरकरी प्लस H2O। तो पिनाकोल में अपचयन, पिनाकोल जो है वो एक डाईहाइड्रिक एल्कोहल ही है, पिनाकोल एक्चुअल में डाईहाइड्रिक एल्कोहल ही होती है। कीटोन से जो एल्कोहल बनेगी वो पिनाकोल होती है। तो अब अपचयन करने का तरीका क्या रहेगा, डबल को सिंगल कर दें। तो इस डबल को हमने सिंगल कर दिया, इस डबल को भी आप सिंगल कर दें। तो एक बॉन्ड सी का खाली, एक बॉन्ड ओ का खाली, यहाँ भी एक बॉन्ड सी का खाली, एक बॉन्ड ओ का खाली। सी का बॉन्ड सी से जुड़ जाएगा बस, और यहाँ आप एच एच लगा दें, ये पिनाकोल बन गया। ये जो यौगिक बना है ये पिनाकोल है। तो सी को तो सी से जोड़ दें और ओ के साथ एच एच जोड़ दें। ऑप्शन में हाइड्रोजन तो जुड़नी है, तो ये जो यौगिक बना है ये पिनाकोल है। अब इसमें चेन देख ले कितने कार्बन की है, 1 2 3 4, चार कार्बन की श्रृंखला है, चार कार्बन के लिए ब्यूट, चारों में बॉन्ड कौन सा है सिंगल, सिंगल बॉन्ड के लिए एन ब्यूटेन। नंबरिंग करें तो 1 2 3 4, दो नंबर पे मैथिल लगा है, तीन पे भी मैथिल लगा है, तो 2 3 डाई मैथिल ब्यूटेन, दो पे OH लगा है, तीन पे OH लगा है, यानी 2 3 डाईओल, 2 3 डाई मैथिल ब्यूटेन, 2 3 डाईओल, जिसे हम पिनाकोल के नाम से जानते हैं। एसीटोन का अपचयन जब Mg Hg और H2O द्वारा किया जाता है तो जो यौगिक बनता है वो पिनाकोल है, डाईहाइड्रिक एल्कोहल का उदाहरण है। तो ये थी स्टूडेंट अपचयन अभिक्रिया। तो कार्बोनिल यौगिकों में एकमात्र टॉपिक आपका पेंडिंग है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिसको हम कल ख़त्म कर देंगे। तो कार्बोनिल यौगिक आपका टॉपिक पूरा हो जाएगा, कल शाम को फिर नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।